प्रेज द लॉर्ड, हम परमेश्वर पिता के नाम को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु भला है, प्रभु सामर्थी है। आइए हम प्रार्थना करें और आज का विशेष संदेश जो हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना विनती करते प्रभु आपका वचन हम पर प्रकट कर पिता परमेश्वर, वचन का प्रकाश दे, आपकी सेवा महिमा के लिए हमारा इस्तेमाल कर प्रभु जी। होने पाए इस वचन के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन बदले और खुदाम पिता ये जीवन आपके राज्य के लिए अधिकाई से इस्तेमाल हो सके। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रियो, आज सुबह हम जो वचन प्रभु का पढ़ने जा रहे वो है उनका मरना मेरा उठना। जी हाँ, उनका मरना मेरा उठना। ये क्या है? ये वो लोग कौन है जिनके मरने की मैं बात कर रहा हूं, और वे लोग कौन है, या फिर मैं कौन हूं, मैं क्या हूं मसीह में जो मेरा उठना होगा? थोड़ा सा टाइटल आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज करे, परंतु जब आप प्रभु का वचन समझेंगे तो धीरे धीरे काफी चीजें आपको आसान हो जाएगी समझने के लिए। हमने देखा इस दुनिया में पिछले कई समय में, चाहे ये COVID-19 की महामारी हो या फिर अन्य कोई कारणों से, बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। प्रतिदिन जब मैं अखबार देखता हूँ तो वहाँ हर दिन एक आंकड़ा आता है कि इतने लोग पॉजिटिव हैं, इतने लोग रिकवर हो गए हैं, इतने लोग एक्टिव पेशेंट हैं और इतने लोग मर गए। मरने वालों का आंकड़ा प्रतिदिन लगातार बढ़ रहा है। और हमने कई हमारे आसपास में, हमारे मित्रों में, हमारे जानकारी के लोगों में देखा कि उन्होंने भी अपने कई सारे प्रिय लोगों को खो दिया है। परिवार के सदस्य खो चुके हैं, परिवारों ने अपने अच्छे लोगों को खो दिया है। कई बार ऐसा हुआ कि इस महामारी में, चाहे महामारी से या अन्य किसी कारणों से, बहुत सारे परमेश्वर के दास दासियां भी ये संसार छोड़ के परमेश्वर के पास चले गए हैं। लेकिन जब जब लोग गुजरे, जब जब लोग चले गए, तब एक बात आसपास के लोग या परिवार के लोग या शोक सभा में जो लोग आते थे, एक बात कहते रहे कि हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया। इनके मरने से, इनके जाने से हमने हमारे परिवार में एक बहुत बड़ा नुकसान उठाया। इनके जाने से हमने हमारे शहर का बड़ा नुकसान हुआ, हमारे कलीसिया का नुकसान हुआ, हमारे देश का नुकसान हुआ। और ये सच भी है कि नुकसान हुआ जब वे धर्मी लोग, विश्वासी लोग, हालांकि यहाँ देखा जाए तो नुकसान हमें संसारिक रूप से दिखता जरूर है, परंतु ये परमेश्वर की योजना का एक भाग होता है। अब वे परमेश्वर के पास आनंदित, सुरक्षित और प्रभु के कृपा में बने हुए हैं। मेरे प्यारों, मरना नुकसान कहलाता है। लोग कहते हैं कि हमने खो दिया हमारे प्रिय व्यक्ति को, प्रिय दास को, प्रिय दासी को, या परमेश्वर के जनों को, या हमारे परिवार के सदस्य को हमने खो दिया है, नुकसान हो गया है। मैं बताना चाहता हूं ये नुकसान तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक चुनौती है। ये नुकसान एक चुनौती करता है। आज इसी चुनौती को आज हम समझने जा रहे हैं प्रभु के वचन से। मेरा मानना है कि ये वचनों को समझने के माध्यम से आपके अंदर एक एनकरेजमेंट तैयार होगा और आप परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए आप सचमुच तैयार हो जाएंगे। मेरे साथ निकालेंगे 2 Chronicles 6:5-10, दूसरा इतिहास 6वां अध्याय और वचन 5 से लेकर 10 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि जिस दिन से मैं अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया, तब से मैंने ना तो इज़राइल के किसी गोत्र का कोई नगर चुना जिसने मेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए, और ना कोई मनुष्य चुना कि वह मेरी प्रजा इज़राइल पर प्रधान हो। परमेश्वर बात कर रहा है कि जिस समय से मिस्र में से लोगों को छुड़ाया गया था, उस समय से अब तक मैंने इज़राइल के जितने भी घराने हैं, उतने घरानों में से किसी के नगर को नहीं चुना और ना किसी व्यक्ति को चुना कि वो इज़राइल के ऊपर प्रधान हो। ये परमेश्वर कहता है कि मैंने अब तक किसी को नहीं चुना। लेकिन आगे लिखा है 6वां वचन, परंतु मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना है कि मेरा नाम वहां हो। यरूशलेम, यरूशलेम का मतलब होता है जरूसालेम, इंग्लिश में कहता है जरूसालेम। जरू याने न्यू, शालेम याने शांति, शांति की न्यू। जरूसालेम का मतलब शांति की न्यू। तो यरूशलेम को इसलिए चुना है कि मेरा नाम वहां हो, और दाऊद को चुन लिया है कि वह मेरी प्रजा इज़राइल पर प्रधान हो। अब प्रभु ने कहा कि मैंने इसके पहले किसी भी इज़राइल के गोत्रों में से किसी नगर को नहीं चुना और ना किसी व्यक्ति को चुना कि, और लेकिन आगे कहता है प्रभु कि मैंने सिर्फ इज़राइल को चुना, मतलब यरूशलेम को चुना, यरूशलेम नगर को चुना, किसी नगर को नहीं चुना, यरूशलेम को चुना, और मेरा सेवक होने के लिए, उस वहां का प्रधान होने के लिए मैंने दाऊद को
चुना है। आगे लिखा है, मेरे पिता दाऊद की यह मनसा थी, अब सुलेमान बात करता है, मेरे पिता दाऊद की यह मनसा थी कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए। दाऊद की मनसा थी कि इज़राइल में प्रभु के नाम का भवन बनाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, तेरी तो मनसा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी मनसा करके तूने भला तो किया, ठीक है, भला तो किया, तो भी तू उस भवन को बनाने न पाएगा, तो भी तू उस भवन को बनाने न पाएगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। एक और व्यक्ति चुना जा रहा है, सुन लीजिएगा ध्यान से, एक और व्यक्ति चुना जा रहा है कि पहले परमेश्वर ने बोला कि मैंने दाऊद को चुन लिया है इज़राइल का प्रधान होने के लिए, मैंने यरूशलेम को चुन लिया है कि वहां मेरा नाम हो। अब कहता है दाऊद के मन में एक अभिलाषा आई कि मैं परमेश्वर का भवन बनाऊं, लेकिन प्रभु ने बोला अच्छी मनसा है पर भवन तू नहीं बनाएगा, भवन तू नहीं बनाएगा, भवन बनाने के लिए मैंने तेरे निज पुत्र को चुन रखा है, सुलेमान को चुन रखा है, और सुलेमान जो रहेगा वो मेरा भवन बनाएगा, मेरे नाम का भवन बनाएगा। दसवां वचन, वह वचन जो यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान हूँ, और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का नाम के इस भवन को बनाया है। मेरे प्यारो, परमेश्वर नगरों को चुनता है और सेवकों का चुनाव करता है, सुन लीजिएगा, नगरों को चुनता है और सेवकों का चुनाव भी करता है। वो समय ऐसा था, पुराने नियम में हम इतिहास की बात कर रहे हैं, वो समय ऐसा था कि परमेश्वर ने बोला कि मैंने इज़राइल में से किसी भी नगर को नहीं चुना, नगर को नहीं चुना, एक नगर को चुना है यरूशलेम को, और मैंने एक सेवक को चुना है दाऊद को मेरी सेवा करे। मेरे प्यारो, आज ऐसा है कि जब नया नियम में हम आते हैं, जब प्रेरितों काम पहला अध्याय और आठवां कलम जब हम पढ़ते हैं, तो लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और सामर्थ पाने के बाद यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। इसका मतलब यह है कि पुराने नियम में जब बात कर रहे हैं तो प्रभु एक विशेष नगर को चुन रहा है, विशेष व्यक्ति को चुन रहा है, लेकिन जब हम नए नियम की बात करते हैं तो परमेश्वर नए नियम में हर एक उन विश्वासियों को उसने चुन लिया है जो पवित्र आत्मा से भरे हो, जिनको पवित्र आत्मा ने अभिषेक किया है, और जिनको प्रभु ने बचाया है अपना लहू का दाम देकर, उन सबको बोला कि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति जो मुझ पर विश्वास करता है और पवित्र आत्मा का दान पाया है वह व्यक्ति यरूशलेम में गवाह बनेगा, साथ ही साथ यहूदिया में गवाह बनेगा, समरिया में गवाह बनेगा, और दुनिया की छोर तक, पृथ्वी की छोर तक मेरा गवाह बनेगा। इसका मतलब परमेश्वर ने तमाम नगर को चुन लिया है, संसार को चुन लिया है, दुनिया को चुन लिया, अलग अलग शहरों को, अलग अलग देशों को चुन लिया है, और उन देशों में, उन नगरों में विशेष रूप से परमेश्वर ने अपने सेवकों को भी चुन लिया है। सेवकों का परमेश्वर चुनाव करता है मेरे प्यारों। लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं, एक सेवक को चुना गया, लेकिन वो सेवक मरने के बाद, वो सेवक भवन नहीं बना पाया, दाऊद भवन नहीं बना पाया, परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा भवन नहीं बनाएगा, वो भवन नहीं बना पाया, उसकी जो सेवकाई थी, वो भवन बनाने के जो मनसा दाऊद के अंदर आई थी, परमेश्वर का भवन बनाने की सेवा सुलेमान ने पूरी किया। एक और सेवक परमेश्वर ने चुना, एक सेवक मरने के बाद, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उनका मरना मेरा उठना, उनका मरना, यहां दाऊद का मरना है और सुलेमान का उठना है। दाऊद एक सेवक है, सुलेमान एक सेवक है जो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता मेरे प्यारों, कई बार हमारे जीवनों में एक बात चलती रहती है कि मैंने मेरे प्रिय व्यक्ति को खो दिया, परिवार के सदस्य को खो दिया, मैंने एक अच्छे पास्टर को खो दिया, दास को खो दिया, दासी को खो दिया, परमेश्वर के सेवकों को खो दिया। पिछले दिनों में बहुत सारे लोग ये दुनिया छोड़ के परमेश्वर के पास चले गए हैं। हम एक निराशा में बंधे हुए हैं, हम एक शोक में डूबे हुए हैं, हम एक तकलीफों में डूबे हुए हैं कि अब क्या होगा, अब ये सेवकाई कैसे होगी, ये काम कैसे होगा, क्या अभिषेक था उनके ऊपर में, क्या काम करते थे परमेश्वर की सेवा के लिए वो। ये सही है कि परमेश्वर जो चुनाव करता है जिस व्यक्ति का, उसका स्थान कोई ले नहीं सकता है, ये सही है, उस व्यक्ति का स्थान कोई ले नहीं सकता है। लेकिन परंतु परमेश्वर ने ऐसे बहुत से सेवकाइयां और बहुत से काम पहले से देके रखा है, कहा ये तुम कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम जो लोग खो चुके हैं या जो लोग इस संसार चले गए हैं, हम उनके शोक में डूबे रहते हैं कि अब क्या होगा, वो थे तो कितना अच्छा था। तो क्या कहना चाह रहे आप,
कि वो लोग चले गए तो ये सारा काम खत्म हो जाएगा जो परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर करवाना चाहता है। फिर परमेश्वर कैसे काम करेगा? इतिहास गवाह है मेरे प्यारों, परमेश्वर को जब अपनी सेवा करना था तो परमेश्वर ने चट्टान में से बात किया, परमेश्वर ने पत्थरों से बात किया, परमेश्वर ने गधे के जबड़े से बात किया, परमेश्वर ने जानवरों से बात किया, दूध पीते बच्चों से बात किया जो किसी लायक नहीं थे, किसी काम के नहीं थे, परमेश्वर ने उनसे बात किया, उनको खड़ा किया। नया नियम भी हमें यह सिखाता कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को, तुच्छों को, निर्बलों को चुन लिया है। जी हाँ, आज हम बच्चे हैं, भले आज हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, हमारे पास कुछ खास बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है। पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। मेरा दास अब दाऊद नहीं रहा, लेकिन सुलेमान तू मेरा भवन बनाएगा। मैंने एक सेवक चुन रखा है, एक शहर को चुन रखा है कि वहां मेरी सेवा करूं, लेकिन उसके बाद जो सेवकाई आगे बढ़ाना है, सुलेमान तुझे काम करना पड़ेगा। और लिखा है वचन में कि सुलेमान ने वो काम किया। मेरे प्यारों, उनका मरना हमारे लिए चुनौती है, हमारे लिए बीज के समान है। मरना नहीं, दरअसल मरना शब्द सही नहीं होता है, मसीह में सब लोग सोते हैं, मसीह में सब लोग सोते, एक बीज के मानिन वे बोए गए और उसके फलों का अब काम करना है। हम जो विश्वासी है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं यदि परमेश्वर की आवाज हम सुने। परमेश्वर ने आपको और मुझे एक विशेष उद्देश्य के साथ चुना हुआ है। एक भारत में खेल खेला जाता है जिसका नाम है खो खो। खो खो में ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा खो खो किसे कहते हैं, या हो सकता है आपकी रीजनल लैंग्वेज में खो खो को कुछ और नाम से जाना जाता होगा, जहां पर एक लंबी लाइन होती है और लोग एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठते, कोई इधर के मुंह का, कोई उधर के मुंह का बैठता है, गैप होती है और एक व्यक्ति दौड़ते रहता है और दूसरे व्यक्ति को उसको आउट करना होता है। और जब वो इधर उधर से भागता है तो आउट करने के लिए कुछ नियम होते हैं। जो व्यक्ति उसको आउट कर रहा है, छूना चाहता है, वह किसी व्यक्ति की पीठ पीछे से कहता है, उसकी पीठ पे हाथ रख के खो। तो खो का मतलब होता है गो, तुम जाओ और तुम्हारे स्थान पे मैं बैठता हूं। इसका मतलब यह होता है कि एक, जब मैं इसको आत्मिक तौर पर देखता हूं, जब एक सेवक वो स्थान छोड़ के चला गया, वो वैकेंसी खाली हो गई, वो वैकेंसी खाली हो गई, तो दूसरे व्यक्ति ने उस वैकेंसी को भर दिया। तुम जाओ, मैं उपलब्ध हूं, मैं ये स्थान संभालता हूं, तुम जाओ, तुम उसको आउट करो, ठीक है, फिर वो किसी और को खो देगा तो वो चला जाएगा। ठीक ऐसा मसीह में होता है मेरे प्यारों। कई सारे सेवक हमें खो देकर चले गए हैं, खो देकर चले गए। अब हमारी बारी है कि उस वैकेंसी को हम भरे, उस रिक्त स्थान को हम भरे। हम तैयार हो, हम तैयार हो सकते हैं। क्या आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं? इब्रानियों का वचन कहता है कि जब तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। सिर्फ एलिया की चद्दर गिरती है एलिशा के ऊपर, तो वो बैलों की, 12 बैलों की जोड़ी के साथ जब वो काम करते रहता है, वो सब छोड़ के, अपने खेती बाड़ी को छोड़ के, अपने बैलों को छोड़कर परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकल आता है, सिर्फ चादर गिर जाती तो। वो चुंगी लेने वाला मत्ती लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहा छीन रहा है। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और सब कुछ छोड़ के वो यीशु के पीछे हो लिया। क्या आज मेरी और आपकी बारी नहीं है मेरे प्यारों? हमारी बारी नहीं है? खो देकर वो चले गए, अब वो वैकेंसी को हमें भरना है, हमें भरना है। मैं तैयार हूं प्रभु, उनका मरना है तो अब मेरा उठना होगा। तू मुझे उठा सकता है मेरे प्यारों? परमेश्वर हमें उठा सकता है। करना क्या है? ये जो निराशा हमारे सिर पे छाई हुई है, बहुत अच्छे मेरे पापा थे, बहुत अच्छा मेरा भाई था, बहुत अच्छे मेरे पास्टर थे, बहुत अच्छा वो परमेश्वर का दास था, लेकिन किसी कारणवश वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं। हम निराशा के ऐसे बहुत सारे धूल से भरे हुए हैं और उठ ही नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे, ऐसा लगता कि सब खो गया है, सब खत्म हो गया है। मेरे प्यारों, खोया नहीं है हमने, सिर्फ हमने हमारे प्रियो को खोया है। और बहुत जल्द जब यीशु राजा बादलों पर आएगा, हम उन्हें साथ देखने वाले हैं, हम उनको मिलने वाले हैं। लेकिन हमें इस निराशा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। हमने खोया नहीं है, समय खोया नहीं है, समय अभी भी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा हूं। वो गया, मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा, तुझे उठाऊंगा। हम कह सकते इर्मिया के समान, मैं तो बच्चा हूं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मुझे तो कुछ कहना नहीं आता। परमेश्वर बोलेगा, रुक जा, मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। शायद यशायाह कहता है, मैं तो अशुद्ध होठ वाला इंसान हूं, बोले कोई बात नहीं, मैं तुझे शुद्ध करूंगा, मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। मूसा कहता है, मैं तो हकलाने वाला इंसान हूं, मैं क्या कर सकता हूं,
मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, मैं ये भेड़ बकरियां चरा रहा हूँ यहाँ बैठ के। प्रभु बोलता कोई बात नहीं, हकलाता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। पतरस कह सकता मैं तो साधारण सा मछुआरा हूँ, मेरा काम है छोटी मोटी मछलियां पकड़ना और अपना परिवार चलाना। प्रभु कहता मैं आज के बाद तुझे मछुआरा नहीं, मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मेरे प्यारो वे लोग चले गए, कई सारे बड़े बड़े नबी आए वे चले गए, प्रभु ने छोटे छोटे विश्वासी को चुन लिया है कि आज उनके द्वारा भी प्रभु अपनी महिमा करे। पर बाइबल में ऐसे ऐसे कैरेक्टर पाए जाए, दोबारा उनका वर्णन नहीं है परंतु वो बहुत खास है। फिर वो लड़की याद है आपको जो नामान के घर पहुंचाई गई थी, नामान छोटी बेटी नामान के घर दासी बन के रही, उसी ने तो सुसमाचार सुनाया तब जाके नामान जाके चंगा हुआ। उस लड़की का नाम दोबारा नहीं आता है परंतु प्रभु ने उस लड़की का इस्तेमाल किया। वो याद है छोटा बच्चा जिसने 5 रोटी और 2 मछली का अपना टिफिन यीशु मसीह को दे दिया, उस लड़के का नाम बाइबल में कितनी बार आया? शायद दोबारा नहीं आया, शायद दोबारा नहीं आया, पर वो उस वो सेवकाई का उस चमत्कार का वो भाग बना हुआ है। ऐसे कितने सारे लोग बाइबल में हैं, कितने सारे चीजें बाइबल में हैं जिनका दोबारा वर्णन आता ही नहीं इतने बार बार, वे बहुत खास समय के लिए। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे ही छोटे छोटे विश्वासियों को, छोटे छोटे लोगों को, बहुत ज्यादा बड़ा होना जरूरी नहीं है, बहुत नॉलेज लेना जरूरी नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बस आप सुनो, रुको, वो दास चला गया है, वो मेरे पापा चले गए हैं, वो मेरा परिवार का सदस्य चला गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। प्रभु कहता है उठ, क्या हम गिदोन की मानिन छुपने का प्रयास कर रहे, अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहे? प्रभु कहता है उठ, शूरवीर सुरमा उठ, उनका मरना है तो तेरा उठना है, मैं तुझे उठाना चाहता हूं। ये जो धूल बैठी है हमारे ऊपर, ये निराशा की धूल, ये समस्या की धूल, ये चिंता की धूल, आइए इसको हटाइए, परमेश्वर कुछ करने जा रहा है हमारे साथ में। मेरे साथ निकालेंगे यशाया नबी की पुस्तक, यशाया नबी की पुस्तक निकालेंगे और अध्याय 52 अध्याय निकालेंगे और वचन दूसरा, जहां इस प्रकार से लिखा है यशाया 52:2 में, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे हे यरूशलेम, उठ यरूशलेम, हे यरूशलेम शांति की नींव, शांति का राजकुमार जब हमारे अंदर आया तो वो यरूशलेम बन जाते हम लोग, फाउंडेशन डाला जाता है शांति का, यीशु मसीह का। हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे, लिखा है वचन में अपने ऊपर की धूल झाड़ दे यरूशलेम तू उठ जा। सियोन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे, धूल झाड़ो मेरे प्यारो, अपने ऊपर की धूल झाड़ो, निराशा में मत बैठो, तकलीफों में मत बैठो, परमेश्वर आपका इस्तेमाल अभी इसी वक्त से करना चाहता है। शायद आप कह रहे हैं अब वो बात नहीं रही, अब वो समय नहीं रहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारो इस मुश्किल की घड़ी में, इस समस्या के घड़ी में भी परमेश्वर आपका इस्तेमाल बहुतायत से कर सकता है। वातावरण चाहे जैसा भी हो, आप अपने ऊपर से बस निराशा की धूल झाड़िए, परमेश्वर इस हालत में भी अपनी सेवकाई के लिए आपका इस्तेमाल कर सकता है। उनका मरना है तो हमारा उठना है मेरे प्यारो। एक चीनी आदमी की मैं आपको गवाही बताना चाहता हूँ, चाइनीज व्यक्ति गवाही बताना चाहता हूँ। उसकी 3 बेटियां थी, उसकी 3 बेटियां थी और तीनों बेटियों को उसने प्रभु यीशु की सेवकाई के लिए भेज दिया, प्रभु यीशु की सेवकाई के लिए भेज दिया। बूढ़ा आदमी हो गया और उसकी तीनों बेटियां सेवकाई सेवा करते करते शहीद हो गई, मर गई, उनको मार डाला गया सेवकाई में। एक दिन ये बूढ़ा आदमी घर में बैठ के रो रहा है, बहुत रो रहा है, तो पड़ोस की कुछ महिलाएं आकर कहती है बूढ़े व्यक्ति से कि अंकल जी आपने इस बुढ़ापे के लिए एक भी बेटी को अपने पास रखा नहीं ताकि इस बुढ़ापे में आपकी सेवा कर सके, आपने अपनी 3 बेटियों को जितनी थी उन सबको सेवकाई के लिए भेज दिया और आज आप अकेले रोते बैठे हो, इस ये सोच रहे हो ना कि कोई तुम्हारे पास है नहीं तुम्हारी इस बुढ़ापे में सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए। बूढ़े आदमी ने रोते रोते जवाब दिया, नहीं बहन, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरे पास कोई बेटी नहीं है मेरी सेवा करने के लिए, मैं इसलिए रो रहा हूं कि अब मेरे पास 4थी बेटी नहीं है परमेश्वर की सेवा को देने के लिए, मैं इसलिए रो रहा हूं। क्या जिज्ञासा है, क्या सामर्थ्य है उनकी बातों में कि 3 बेटियां मरने के बावजूद भी 4थी बेटी के लिए तैयार है कि अगर होती तो मैं उसको भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए दान देने को तैयार होता। और हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है, खास व्यक्ति को खो दिया है, दोस्त को खो दिया है, पास्टर को खो दिया है, अगुवे को खो दिया है और उसके बाद हम बस निराशा में बैठे हुए हैं। प्रभु की आवाज आ रही है, उठ, मैं तेरा इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं तुझे यूज करना चाहता हूं अपने राज्य के लिए। आओ मेरे प्यारो, अपने ऊपर की धूल झाड़ दीजिए,
उनका मरना है तो आपका उठना, यह समय है, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। सेवक मर जाए परंतु सेवक आइया नहीं मरना चाहिए मेरे प्यारों। जी हां, सेवक मर जाए, चाहे बहुत सारे सेवक आए, बहुत सारे काम किए, हम जानते हैं कि मिशनरियों ने, सेवकों ने जो काम किया है उस काम के आधार पर आज कलीसिया खड़ी है, आज प्रभु ने उन सबका इस्तेमाल किया है और यहां तक अपने सेवकाई को पहुंचाया है। आज के इस युग में, इस पैंडेमिक में से भी परमेश्वर बहुत सारे सेवकों को उठाना चाहता है, तैयार करना चाहता है कि मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा, मैं तेरा यूज करूंगा। सेवक मर जाए पर सेवकाइया नहीं मरती, ये बाइबल का सिद्धांत है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सेवक मर जाते हैं, सेवकाइया नहीं मरती है। आज कई सारे सेवक चले गए और सेवकाइया जो कार्य थे उनके, वो लुप्त होने के कगार पर आ चुके हैं, क्योंकि कोई भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे। पौलुस के पास तो तीमुथियुस था, है ना, पौलुस के पास तीमुथियुस था कि वो कहता कि मैं इसको तैयार कर रहा हूं। मूसा के बाद, जब मूसा के बाद कालेब और यहोशू था, उनको परमिशन इस्तेमाल किया। एक वचन पढ़ेंगे, यहोशू, जोशुआ चैप्टर फर्स्ट एंड वर्स फर्स्ट एंड सेकंड, यहोशू पहला अध्याय पहला और दूसरा वचन, जहां इस प्रकार लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद सुन लीजिएगा, मूसा की मृत्यु के बाद, एक महान अगुवा था मूसा, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू जो नून का पुत्र था कहा, ठीक वैसे दाऊद के बाद सुलेमान, पौलुस के बाद तीमुथियुस, मूसा के बाद यहोशू, उससे बात किया मूसा के मरने के बाद कि मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने अर्थात उसको अर्थात इसराइलियों को देता हूं। मेरा दास मूसा मर गया, अब तू उठ, मैं तेरा इस्तेमाल करना चाहता हूं। एक सेवक मर गया, सेवकाइयां खत्म नहीं हुई हैं, सेवा अभी भी बाकी है। एक सेवक मर गया है, सेवा खत्म नहीं हुई है, सेवा अभी बाकी है। यहोशू, मैं तुझे उठाना चाहता हूं, तू सुन मेरी बात, तू उठ। परमेश्वर कई बार, हम आगे जब पढ़ते हैं तो यहोशू का हियाव बंधाता है, वो कहता है जैसा मैं मूसा के संग रहा ना, वैसा तेरे भी संग रहूंगा। मेरे प्यारों, जो दास दासिया परिवार के लोग मित्र हमें छोड़ के चले गए, अगर वे धर्मी थे और प्रभु ने कहा कि जैसा मैं उनके साथ था, प्रभु कहता है आपके साथ भी वैसा रहेगा, हमारे संग भी परमेश्वर विश्वासयोग्य रहेगा। और बहुत सी बातें परमेश्वर ने यहोशू के साथ किया, इससे पहले कि उसको सेवकाई में भेजे, उसको बहुत हियाव बंधाया, उसकी हिम्मत बंधाई। मेरे प्यारों, सेवक मर गया, सेवकाई नहीं मरी। एक और उदाहरण बाइबल में पढ़ने को मिलता है हमें, जब एलिशा मर चुका था, जब एलिशा मर चुका था, उसे जिस कब्र में रखा था, कब्र में रखे हुए एलिशा को 2 वर्ष निकल गए थे, 2 साल बीत गए थे, और 2 साल के बाद कोई और दूसरा बंदा, दूसरा व्यक्ति मरता है और उसकी लाश को उसी कब्र में रखा जाता है जिस कब्र में एलिशा को रखा था। जब उसकी लाश को उसके अंदर रखा जाता है तो बाइबल कहती है कि ये मुर्दे को जो 2 साल के बाद रखा गया एलिशा के मरने के बाद, ये जिंदा होकर बाहर निकल के आ गया। मेरे प्यारो, एलिशा तो मर चुका था, उसको मरे हुए 2 साल हो गए, ये सेवक मर गया है, परंतु इस सेवक की सेवका ही नहीं मरी, इसके कब्र में डालने से आज भी मुर्दा जिंदा हो रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। मैं आपको बताना चाहता मेरे प्यारों, सेवक मर जाते हैं, सेवकाइयां नहीं मरती है। आप जो काम परमेश्वर के राज्य के लिए करना चाहते हो, परमेश्वर एक मनसा आपके अंदर डालना चाहता है और वो कहता है उठ, मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। क्या आप आज उठने को तैयार है, या आज आप निराशा के बिस्तर पे सोने को तैयार है, मुश्किलों में रहने को तैयार है? ये परमेश्वर की बुलाहट है आपके लिए। मरने के बाद विलाप करना छोड़े, मरने के बाद एक अपने अंदर एनकरेजमेंट ले, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, मुझे उठाने के लिए परमेश्वर ने उस भाई को, उस बहन को इस दुनिया से उठा लिया ताकि वो मुझे उठा सके, मेरा इस्तेमाल कर सके। जी हाँ, उनके बाद परमेश्वर ने आपको ये काम दिया है। सोचो, दुआ में समय बिताओ, प्रभु से बात करो और प्रभु से पूछो, प्रभु तूने मुझे क्यों चुना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या तेरे सेवकाई के लिए कर सकता हूँ। बाइबल तो ऐसा कहती है कि जो अगुवे थे, जिन्होंने हमें सिखाया है, उनका अनुसरण करो, उनका अनुसरण करते करते आगे जाओ। एक वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री में, इब्रानियों अध्याय 13 निकाल लेंगे हम लोग, हिब्रू चैप्टर 13:7, जहां इस प्रकार से लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो।
क्या करो, ध्यान से उनको याद रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर, जो हमारे परमेश्वर के लोग इस दुनिया छोड़ के चले गए हैं उन्होंने कैसा जीवन जिया, कैसा सिखाया, वो ध्यान रखो और वो ध्यान रखते हुए उनका अनुकरण करो। सचमुच बहुत सारे अच्छे सेवक हो चुके हैं, अच्छे लोग हो चुके हैं जिन्होंने परमेश्वर के लिए जीवन जिया, वे उदाहरण बने हुए हैं आज कलीसिया के लिए। आओ हम उनका अनुकरण करें, वे कैसा जिए, उन्होंने कैसा जीवन यापन किया, जैसा उन्होंने किया शायद आज मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे सेवक सेविकाएं हैं वैसा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। लालच का जीवन, लोभ का जीवन, नाम का जीवन, बहुत सारे लोग अपनी महिमा पाने के लिए, नाम के लिए बहुत काम करें, बस मेरा नाम सामने आना चाहिए, लोगों ने बस मेरे बारे में चर्चा करना चाहिए, यही सब कर रहे हैं। मैं ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं, सेवकाई के नाम पे भी ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं, बहुत सारी चीजें हो रही है, ज्यादा पद, बड़ा पद कैसे कमाऊं, मेरा साम्राज्य सेवकाई कैसे बढ़े, देश विदेश में मैं कैसे पहुंचूं, मेरा ये कैसे बढ़े, वो कैसे बढ़े, ये कैसा हो, वैसा, यही सब बातें कर रहे हैं। याद है जो मिशनरी, जो सेवक इस दुनिया में आए, भारत में आए और जिन्होंने इस प्रकार सेवकाई किया, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने समर्पण का जीवन जिया, कभी पैसों के पीछे नहीं गए, कभी नाम के पीछे नहीं गए, कभी वे लोग पद के पीछे नहीं गए, अपनी आप को कुर्बान कर दिया, ऐसा जीवन जिया कि आज उनके उस परिश्रम की वजह से कलीसिया खड़ी है। आप और मैं सोचते हैं, मैं कई बार प्रभु से प्रार्थना करता हूं और प्रभु से बात करके कहता हूं, प्रभु तूने मुझे चुना, थैंक यू लॉर्ड, मेरे समान पापी को, मूर्ख को आपने चुन लिया, थैंक यू लॉर्ड, लेकिन मेरे जीवन से तो ऐसा काम करना कि वो मार्केबल काम बने, मैं सचमुच बेहतर इस्तेमाल हो आपके राज्य के लिए, मैं यूं ही आया और यूं ही गया मैं नहीं बनना चाहता हूं, मैं जानवर के समान जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, मैं चाहता हूं मेरे साथ ऐसा काम हो या मैं ऐसा खुदा के लिए काम करूं जो मार्केबल हो प्रभु आपके राज्य में, और जब मैं आपके राज्य में आऊं तो आप कह सके धन्य मेरे दास, तो बहुत ही छोटी बात में विश्वास योग्य रहा, कुछ खास कर प्रभु मेरे जीवन के द्वारा, कुछ बेहतर कर प्रभु मेरे जीवन के द्वारा, मुझे ऐसा बेहतर बना कि लोग मेरे पीठ पीछे जब मेरा नाम लेते कहे ये आदमी यीशु के साथ चला, कोई उस ग्रेवयार्ड में आके गालियां ना दे, बुराई ना कहे, लेकिन कहे कि आदमी यीशु के साथ जिया, मुझे भी यीशु के समान जीने की योजना बनाना है। क्या लिखा है वचन में, उनके चाल चलन तुम्हारे अगुवे थे, उनके चाल चलन को ध्यान से देखो और उनका अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो, विश्वास का अनुकरण करो। पौलुस जो था वो भी कलीसिया को सिखाता था और उसने अपने साथ एक दो लोगों को बहुत ही खास रूप से तैयार किया, लेकिन एक खास था, वो था तिमोथियुस। तिमोथियुस को उसने बहुत सिखाया और ऐसा सिखाया वो कहता बस मुझे देख ले, मैं कैसा जिया वैसा तू भी जी। एक वचन पढ़ेंगे उसके लिए, दूसरा तिमोथियुस चौथा अध्याय, दूसरा तिमोथियुस, सेकंड तिमोथियुस चैप्टर 4 वर्स 5 एंड वर्स 6, चौथा अध्याय पांचवा और छठा वचन ऐसा लिखा है दूसरा तिमोथियुस का। तिमोथियुस को पौलुस कहता है, पर तू सब बातों में सावधान रहे, तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। पौलुस तिमोथियुस को सिखा रहा है कि सब बातों में सावधान रहे, तुझे दुख उठाना है, तुझे सुसमाचार का प्रचार करना है, अपनी सेवा को पूरा करना है। क्यों? एक सेवक अभी जाने वाला है, दूसरा सेवक तैयार होने वाला है। यहां लिखा है पौलुस बोलता है क्यों ऐसे सिखा रहा है, लिखा है क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूं, मतलब मेरा अंतिम समय करीब है, शब अब मुझे यरूशलेम ले जाया जाएगा और मुझे यीशु के नाम के खातिर शहीद होना पड़ेगा, शहीद होना पड़ेगा। जैसे वो कहता था पहले तो काम में कि मैं सिर्फ बांधे जाने के लिए नहीं, मैं तो यीशु के नाम के लिए मरने को भी तैयार हूं, ये बात पूरी होने वाली थी। क्या कहता है, मैं अर्घ के नाई उंडेला जाता हूं और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है, मेरे मरने का समय आ पहुंचा है, मेरे खत्म होने का समय आ पहुंचा है। ए तिमोथियुस, मैं तुझसे कहता हूं तू अपने आप को तैयार कर, सावधान रहे, सुसमाचार के वचनों का प्रचार कर, अपने आप को तैयार कर, मेरे जाने का समय आ रहा है, एक सेवक मरने वाला है, दूसरे सेवक को उठने का समय आ चुका है, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। इब्रानियों में लिखा है उन अगुओं का अनुकरण करो, उनके विश्वास का अंत देखकर, मतलब उनके जीवन का अंत देखकर उनका अनुकरण करना शुरू कर दो। तिमोथियुस ने पौलुस का
अनुकरण किया, अनुसरण किया। आप आज आपको और मुझे उन दासों का, उन परमेश्वर के लोगों का, विशेष रूप से प्रभु के वचन का, अरे यीशु मसीह का, उसके अलावा है कौन हमारे लिए, यीशु मसीह का अनुसरण करें। कैसा वो जिया, कैसा हमें जीना है, मैं कैसा सेवक बनूं। आओ हम सेवकाइयों को सीखे, सेवकाइयों को सीखे। मैं आज आपको आह्वान देना चाहता मेरे प्यारों, उनका मरना मेरा उठना, मेरा उठना, मैं उठूंगा। अपने आप को कहे, अपने ऊपर की धूल झाड़े, साफ करे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कई बार हमारे घर में जो सीलिंग फैन होता है, कई दिनों साफ नहीं होता है तो उसके ऊपर बहुत धूल पड़ जाती है। ज्यादा टाइम हो गया ना, वो धूल इतनी जम जाती है कि साफ करने से भी निकलती नहीं है। इससे पहले कि बहुत समय निकल जाए मेरे प्यारों, ये धूल आपके ऊपर जम जाए, अपने दाग जमा ले और निकलना ना करे, निकलना उसको मुश्किल जाए, आओ अभी इसी वक्त इस धूल को झाड़े, अपने आप को झटके, उस अभिषेक को पाए। वचन कहता है कि अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाएगा। अपने ऊपर के निराशा के जुए को तोड़िए, अपने ऊपर के संकट के जुए को तोड़िए, अपने ऊपर के नकारात्मकता के जुए को तोड़िए। कहे सब हो गया, अब मैं उठूंगा, मैं कर सकता हूं, मेरा परमेश्वर मेरा भी इस्तेमाल कर सकता है, मैं उठूंगा। मैं आपसे आज आह्वान देना चाहता हूं, आइए उठिए, क्या आप तैयार हैं? यशाया का एक पॉजिटिव उत्तर था परमेश्वर के लिए। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या यह उत्तर आपका भी है? यशाया को सबसे पहले परमेश्वर ने शुद्ध किया, अशुद्धता से शुद्ध किया। क्या आप और मैं अपने जीवन की अशुद्धता से, पापों से शुद्ध हो गए हैं? शुद्ध हो गए तो आवाज सुनोगे, तब तक आवाज नहीं आएगी जब तक आप अपने आप को यीशु के लहू से शुद्ध नहीं करोगे। यशाया को सबसे पहले परमेश्वर ने शुद्ध किया, पवित्र किया, और पवित्र करने के बाद जब हम पढ़ते हैं यशाया छठवां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 6:8, जहां इस प्रकार से लिखा है, यशाया 6:8 में लिखा है, जब वो शुद्ध किया गया तब उसको बोला, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। तब तक नहीं सुनाई आएगा मेरे प्यारो। कई सारे लोग कान बंद हो चुके हैं, दिल बंद हो चुका है, दिमाग बंद हो चुका है। वजह पता है, शुद्धिकरण बाकी है, शुद्धिकरण बाकी है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, केवल यीशु मसीह में शुद्ध कर सकता है। जब वो शुद्ध हुआ तो उसके बाद आवाज आई, और क्या आवाज थी, क्या वचन था, मैं किसको भेजू, मैं किसको भेजू। कौन कह रहा है? परमेश्वर। मैं किसको भेजू? आज परमेश्वर यही आपसे और मुझसे कह रहा है, मैं किसको भेजू। तुम्हारे पड़ोस में बहुत सारा काम बाकी है, पड़ोस के गांव में बहुत सारा काम बाकी है, ये शहर में, इस देश में बहुत सारा काम बाकी है, बहुत सारी जगह यीशु मसीह का काम करना बाकी है। यीशु आज भी यही शब्द कह रहा है, मैं किसको भेजू। शुद्धिकरण के बाद जब पवित्र आत्मा अंदर आता है तो वह बराबर हमसे बात करता है। तब यशाया ने बात किया, देखो, और लिखा है, हमारी ओर से कौन जाएगा, हमारी ओर से। अब हम प्रभु की ओर के हो गए, कितनी अच्छी बात है ना। शुद्ध होने के बाद हम प्रभु की ओर के हो गए, शुद्ध होने से पहले हम संसार की तरफ के थे। प्रभु बोलता, हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, यशाया कहता, मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज, मैं यहां हूं, मुझे भेज। क्या आज आप कह सकते हैं, हे प्रभु मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, तू मुझे भेज, मैं जाने को तैयार हूं, मैं उठने को तैयार हूं। उनका मरना है तो आज ये मेरा उठना बनेगा, ये बीज के समान बोएंगा, मैं फल के समान उगूंगा, मैं तैयार हूं, मैं जाना चाहता हूं, मैं काम करना चाहता हूं। लुका 10वां अध्याय और दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, पके खेत बहुत है, पके खेत बहुत है, मजदूर ही थोड़े हैं। कौन थोड़े हैं? मजदूर ही थोड़े हैं। इसलिए खेत के मालिक से विनती करो कि खेत काटने के लिए मजदूरों को भेजे, मजदूर कमी है, सेवक कम है। उठो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपने आप को सोचो, आप बैठे बैठे क्या कर सकते हो, अपने ही घर से, अपने ही स्थान से, अपने ही क्षेत्र से आप कितना अच्छा प्रभु यीशु मसीह का काम कर सकते हो। मत देखिए सताव को, मत देखिए तनाव को, मत देखिए मुश्किलों को। हम सबको सियोन देश आगे बढ़ना है। कुछ लोग आगे चले गए हैं, उसके पीछे हमारा भी नंबर है और हमारे पीछे दूसरों का भी नंबर है। ये खो-खो वाला खेल याद रखना, एक जाएगा तो उसकी वैकेंसी को एक आदमी भरेगा। मेरे प्यारो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो उठे, उनका मरना है तो यह आपका उठना है, यह आपके लिए उठने की घड़ी है। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, अराइज एंड शाइन, उठ और चमक, उठ प्रकाशमान हो। क्यों? क्योंकि तेरा प्रकाश जो यीशु है
वो आ चुका है। यीशु आपको उजाला दे रहा है, अपने आप को तैयार करें और पूछे, प्रभु वो लोग सब चले गए, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा इस्तेमाल कर। अगर आप तैयार है, अपने मन को आज तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, प्रभु के सामने उपस्थित हो जाए आज और प्रभु से कहे, बात करें। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्रभु इसी घड़ी आपसे बात करेगा, इसी घड़ी आपको बात करेगा, कहेगा मेरे बेटे मेरी बेटी, मैंने तुझे मेरे इस काम के लिए चुना है, तू मेरा ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर। आइए अपने आप को तैयार करें, प्रभु से पूछे, प्रभु से पूछे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। मैं हूं प्रभु, मैं हूं प्रभु, मैं हूं प्रभु, मैं हूं क्या आप सब मिलके कह सकते हैं, मैं हूं प्रभु, मैं हूं प्रभु। हर कोई अपने मुंह से कहे, मैं हूं प्रभु, मैं हूं जैसा यशया ने कहा परमेश्वर को, मैं हूं प्रभु। मूसा ने कहा, मैं हूं प्रभु। पत्रस ने कहा, मैं हूं प्रभु, मैं हूं आज मैं कहता हूं, आज हम में से प्रत्येक कहते हैं, मैं हूं मैं हूं पिता। यीशु मसीह के नाम से आपको हम धन्यवाद करते कि आपने हमें चुना है। उनका मरना है लेकिन हमारा उठना है प्रभु। वे चले गए पर तू आज चाहता कि हम उठे, हम खड़े हो जाए। हम अपने ऊपर के निराशा के धूल को झाड़ते हैं, समस्या की धूल को झाड़ते हैं। तूने मुझे चुना, जैसे दाऊद को चुना था, दाऊद के बाद आपने सुलेमान को चुना, हे प्रभु आपने मूसा को चुना, मूसा के बाद यहोशू को चुना, आपने पौलुस को चुना, पौलुस के बाद तीमोथियुस को चुना, हे प्रभु आपने मेरे अगुवों को चुना, आपने मेरे पापा को, मेरे भाई को, मेरे बहन को, ओ मेरे मित्र को चुना, और उसके बाद प्रभु आपने मुझे चुना, मुझे चुना। प्रभु अनुग्रह मांगता हूं कि आज मुझे उठा और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। चाहे आज वे COVID-19 से या किसी भी बीमारी से या किसी भी समस्या से मरे क्यों ना प्रभु, मैं जानता प्रभु मैं सोए है पर आज मुझे उठना है, मैं उठूंगा। ये बीज मैं अपने अंदर लेता हूं, मैं अपने अंदर ग्रहण करता हूं, मैं उठता हूं और मैं तैयार होता हूं और मैं पूछता, प्रभु मुझे भेज, बता मुझे कहां जाना है, बता मुझे क्या करना चाहिए, बता मैं तेरी सेवा कैसे करूं। प्रभु यीशु मुझे आशीर्वाद दे, तैयार कर और आपके राज्य के लिए बढ़ा। मैं जानता हूं तू मेरा इस्तेमाल करेगा। मेरे तमाम भाई और बहनों के लिए पिता परमेश्वर, मेरे तमाम इन प्यारे मित्रों के लिए प्रभु जी, जो आज के इस समय प्रभु जी आपसे विनती और प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु नासरी उन पर अनुग्रह कर, सहायता कर, उनकी बुलाहट उन्हें बता, उनके ऊपर की निराशा की धूल को झाड़ प्रभु जी, उनको तैयार कर स्वामी और बड़ा काम आज उनके जीवन में कर प्रभु जी। हम धन्यवाद 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 स्तुति करते हैं प्रभु जी। आय का पूरा समय, हमारा जीवन और सब बातें प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं। अब से हम उठेंगे और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होंगे। धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन।